कितना अच्छा लगता है जब आप किसी जगह पर बुकिंग करते हो एंड वहाँ पर पहुंचकर आपको पता चलता है कि जगह वाकई में काफ़ी सुंदर है, अच्छे रूम्स है, काफ़ी ओपन स्पेस है जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ, अपने ग्रुप के साथ ढेर सारे मज़े कर सकते हो, रात भर गेम्स खेल सकते हो एंड स्विमिंग पूल में एंजॉय कर सकते हो एंड कुछ हटके यूनिक कॉन्सेप्ट भी अगर आपको देखने मिल जाए तो हॉलीडे जो है वो एकदम कम्प्लीट हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसे रिसॉर्ट में बुकिंग करनी है तो ज़रूर से बुकिंग कीजिए एट पेगासस लाइफस्टाइल रिसॉर्ट। ये रिसॉर्ट जो है वो करजत में है एंड अगर आप यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल लेकर आते हो तो आपको 2.5 से 3 घंटे के आसपास लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए एंड करजत स्टेशन से ये जगह आधे घंटे की दूरी पर है। तो चलिए जानते हैं इस रिसॉर्ट के बारे में डिटेल आगे इस वीडियो में। विद दिस आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल जिसका नाम है नेहाज नेस्ट, जहाँ पर आप कॉन्टेंट देख पाओगे रिलेटेड टू ट्रैवल, फूड एंड लाइफ स्टाइल। मैं हूँ नेहा। यहाँ पर स्टे के लिए एक से ज़्यादा कैटेगरी के रूम ऑप्शंस अवेलेबल है, साथ में विला भी अवेलेबल है एंड हर एक रूम से हमें काफ़ी बेहतरीन व्यू नज़र आता है। कहीं से हमें स्विमिंग पूल का व्यू नज़र आता है तो कहीं से नेचर का व्यू हमें नज़र आता है एंड बालकनी भी दी गई है। तो कभी कभी ऐसे मन करता है चाय पीते पीते बस हमें नेचर को देखना है एंड बस ऐसे बुक रीड करनी है, म्यूज़िक सुनना है, तो वो सारी जो ख्वाहिश होती है ऐसे सुकून वाले स्टे की, तो आप वो यहाँ पर आकर पूरी कर सकते हो। एंड रूम्स काफ़ी स्पेशियस है, मिनिमम फर्नीचर है, एलिगेंट लुक है, रूम सर्विस भी अवेलेबल है एंड यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारा स्टे काफ़ी कंफर्टेबल रहा। सो चलिए देखते हैं यहाँ के रूम्स अंदर से दिखने में कैसे हैं। Thank you.
तो स्टे के साथ साथ यहाँ पर और कौन सी चीज़ें हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात अबाउट द फूड, यहाँ पर नॉन वेज एंड वेज फूड ऑप्शंस अवेलेबल है, साथ में जैन फूड ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड जैन फूड में भी हमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने मिली। एंड यहाँ एक इनहाउस रेस्टोरेंट है जिसका डाइनिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी एलिगेंट वाइब है उसकी। एंड उससे ही जुड़ा हुआ एक गेम्स एरिया है जहाँ पर आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो। आउटडोर सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छे बनाए हैं, काफ़ी बड़ा गज़ेबो है। फिर छोटा ट्री हाउस की वाइब देने वाला एक गज़ेबो हमने देखा। फिर पॉन्ड है, फिर काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल का एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एंड काफ़ी बड़ा लॉन एरिया है। एंड उसी से जुड़ा हुआ स्टेबल है जहाँ पर हमने बहुत सारे हॉर्स देखे। एंड हॉर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है वहाँ पर। एंड क्लेनलीनेस भी बहुत अच्छे तरीके से मेनटेन की हुई है, तो एनिमल्स का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप पेट्स को भी लेकर आ सकते हो क्योंकि एक पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है। एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर दी है। लिफ्ट का भी अरेंजमेंट है, तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे जाना चाहते हो तो काफ़ी आसानी हो जाती है अगर लिफ्ट होती है तो। एंड यहाँ हमें छोटा किड्स प्ले एरिया देखने मिला। एंड काफ़ी बड़ा लॉन एरिया तो है ही, उसके साथ साथ ये पूरी जगह जो है वो नेचर से सराउंडेड है। एंड यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हमने ट्रीज़ एंड प्लांट्स देखे। एंड जैक फ्रूट देखा, पेरू, मैंगो, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। सो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब हर एक एज ग्रुप के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। एंड अगर आप मील्स जो है वो स्टे के साथ इंक्लूड करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से बुकिंग के टाइम पे उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट चाहिए तो आप सिर्फ ब्रेकफास्ट वाला प्लान ले सकते हो। अगर आपको ऑल मील्स वाला प्लान चाहिए तो आप ऑल मील्स वाला प्लान इंक्लूड कर सकते हो। या फिर आपको सिर्फ स्टे करना है, मील्स इंक्लूड नहीं करना है, तो आप उस हिसाब से भी बुकिंग कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए, तो ज़रूर से यहाँ पर आ जाइए।
सो उम्मीद करती हूँ आपको ये जगह साथ में मेरा ये वीडियो दोनों पसंद आया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कॉमेंट भी ज़रूर से कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बाय।